भाग्य कर्म लाभ की शुभता, केवल परिश्रम की आवश्यकता। हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। सभी के पास समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन सभी को अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए समान अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। उद्योग महर्षि रतन जी टाटा का यह विधान अत्यंत प्रेरक है, जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लागू होता है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, वृश्चिक जातक इस स्थिति को आह्वान के रूप में स्वीकार करते हैं। साथ ही उस स्थिति से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी माह के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस माह करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, जिसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, वह इस माह में गुरु महाराज की धनु राशि में विराजमान है। धनु राशि आपके धन एवं परिवार के स्थान पर आती है। परिणाम स्वरूप आप अपने कर्तव्य के बल पर धन प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफल होंगे। राशि स्वामी जब धन स्थान में होता है तब वह अपने व्यक्तित्व के बल पर धन अर्जित करता है। साथ ही शुक्र ग्रह जो आपका सप्तमेश और वैश है, वह भी उसी स्थान में विराजमान है। कुल मिलाकर व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आप सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, जीवन साथी के साथ जीवन का आनंद लेते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त करना, यह आपके लिए इस महीने की विशेष विशेषता हो सकती है। आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीय की स्थिति देखना बड़ा आवश्यक होता है। वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय गुरु महाराज होते हैं। वे आपके चतुर्थ स्थान में अर्थात वास्तु वाहन सुख शांति के स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके समग्र शनि महाराज की कुंभ राशि आती है। फिर भी वहाँ से अच्छा पारिवारिक सौख्य दिखाई देता है, जिसके शुभ परिणाम वृश्चिक जातकों को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। माता पिता का सहयोग, जीवन साथी का विशेष सहयोग, संतति की नटखटता, इस पद्धति से आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन इस अवधि में आपने माता जी के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातक मूल रूप से परिश्रमी होते हैं। इस फरवरी महीने की शुरुआत से ही आपका राशि स्वामी अग्नि तत्व की राशि में विराजमान है। 26 फरवरी को वह आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेगा। साथ ही आपके परिश्रम में शनि महाराज भी वही उपस्थित है। आपके लाभेश बुध ग्रह भी परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात परिश्रम, पराक्रम, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, इन सभी दृष्टियों से यह अवधि आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से आपके लिए थोड़ी नकारात्मकता बनी रहेगी, क्योंकि वास्तु और वाहन के कारक शनि महाराज भले ही स्वराशि में हो, लेकिन वे चतुर्थ के व्यय स्थान में विराजमान।
अप्रैल माह में वे राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योगों का निर्माण होगा। तब तक किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए प्रतीक्षा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वैसे भी यह चीज़ें कोई हर रोज नहीं लेता है, साथ ही ली हुई चीज से लाभ, आनंद एवं समाधान प्राप्त होना जरूरी है। वैसे शुभ योग आपके लिए अप्रैल के बाद निर्माण होंगे, इसलिए तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इष्ट देव से पूरे आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्र में जिनका अध्ययन शुरू है, उन्हें विशेष रूप से बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर है। साथ ही मैनेजमेंट क्षेत्र में जातकों के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना आवश्यक रहेगा। फार्मेसी क्षेत्र के जातकों को भी अध्ययन में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसे पहले से ध्यान में लेते हुए आपको अपने प्रयास, परिश्रम और अध्ययन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या अध्ययन में जो उन्नति प्राप्त होती है वो दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए शुभ रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें सरलता से प्राप्त होगा। शत्रुओं से आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। प्रतिस्पर्धी स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। संक्षेप में, सर्वार्थ से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी जब बलवान होता है तब सभी चीज़ें शुभ होती है। उस दृष्टि से वृश्चिक जातकों के लिए फरवरी और मार्च का महीना शुभ, लाभकारी एवं उन्नति करने वाला सिद्ध होगा। आपको लाभ उठाना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक नौकरी में है उनके लिए यह महीना लाभकारी रहेगा। जिनकी पदोन्नति पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई थी उन्हें अचानक रूप से प्राप्त हो सकती है। वास्तव में कार्यस्थल पर आपको मन जैसी सफलता प्राप्त होगी। आपका कर्तृत्व विशेष रूप से सामने आएगा, अर्थात उसके लिए मूल कुंडली की ग्रह स्थिति देखना आवश्यक है, क्योंकि उस अनुसार स्थिति में बदलाव होगा। अर्थात किसी का कर्तृत्व सामने आएगा, किसी को नौकरी में स्थिरता प्राप्त होगी, किसी के वरिष्ठ खुश होंगे, साथ करने काम करने वाले सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा, या किसी को पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर नौकरी में कोई बड़ा लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन उसकी तुलना में व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना परिश्रम से भरा रहेगा। परिश्रम करने के बाद भी लाभ की अपेक्षा न करते हुए केवल कर्म करते रहे, उचित परिश्रम करते रहे, ऐसा यह ग्रह स्थिति आपको सूचित कर रही है। अर्थात परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, उनका लाभ विलंब से लेकिन प्राप्त होता है। इसीलिए परिश्रम करने में कोई चूक न करें। संक्षेप में, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना लाभकारी, व्यावसायिक जातकों के लिए परिश्रम और संघर्ष का रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्य स्थान पर एक ही समय में मंगल, शनि, बुध, रवि जैसे कई ग्रहों की दृष्टि होगी, जिस कारण आपका भाग्य प्रबल होगा। मंगल आपका राशि स्वामी होने के कारण उसकी दृष्टि आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। शनि महाराज भी स्वराशि में विराजमान है, इसलिए वहाँ से पड़ने वाली उनकी दृष्टि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपकी यात्राएं बढ़ेगी, आपके परिश्रम बढ़ेंगे, लेकिन
उसके कारण आपका भाग्य प्रबल और समृद्ध होगा। परिणाम स्वरूप भाग्य के सहयोग से आपके लिए उन्नति के नए अवसर निर्माण होंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि मूल रूप से कर्म प्रधान राशि मानी जाती है, इसलिए उसमें कुछ नया बताने की आवश्यकता होती नहीं है। 13 फरवरी को आपके कर्मेश चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, वहाँ से 180 अंश की उनकी दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। साथ ही गुरु और रवि यह दो ग्रह आपकी कुंडली के लिए बड़े महत्वपूर्ण और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। उन दोनों की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, जिस कारण आपके कर्म समृद्ध होंगे। व्यावसायिक जातकों ने भले ही हमने संघर्ष बताया हो, फिर भी व्यवसाय वृद्धि निश्चित रूप से होगी, अर्थात उससे आर्थिक लाभ कितना होगा यह अलग विषय है, लेकिन व्यवसाय वृद्धि के अवसर आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपको उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के लाभेश बुध होता है, उसकी यात्रा आपके परिश्रम स्थान से शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ परिश्रमेश भी उपस्थित है, फलस्वरूप विभिन्न माध्यमों से लाभ या इच्छा पूर्ति के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना अपरिहार्य रहेगा, ऐसा इस महीने की ग्रह स्थिति आपको बता रही है। क्योंकि लाभेश जिस स्थान में विराजमान होता है उस स्थान के कारकत्व के अनुसार लाभ की प्राप्ति होती है, उस अनुसार आपका लाभेश परिश्रम स्थान में परिश्रमेश के साथ विराजमान है, अर्थात परिश्रम से लाभ की प्राप्ति होगी। इसे ध्यान में लेते हुए आपको इस महीने में अधिकतम परिश्रम करना चाहिए, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपका व्यय शुक्र ग्रह द्वितीय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वही आपका राशि स्वामी मंगल भी उपस्थित है। इस तिथि का परिणाम है कि आपका कई कारणों से बड़ा खर्च हो सकता है, उसमें कुछ खर्च आप अपनी मर्जी से करोगे, अर्थात किसी इच्छा की आप पूर्ति कर सकते हो। साथ ही परिवार के लिए आपका कुछ खर्च हो सकता है, कुछ अप्रत्याशित खर्च भी रहेंगे, क्योंकि इस महीने आपके लिए बड़े खर्चे के योग बने हैं, लेकिन उसमें से अधिकतम खर्च आप अपनी मौज के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए करोगे। जो वृश्चिक जातक विदेश में हैं उनके लिए यह महीना उन्नति का रहेगा। विदेश में उन्हें स्थिरता का अनुभव प्राप्त होगा। इस लाभकारी समय का पूरा लाभ उठाइए। शुभ और अशुभ दिन, हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। हर दिन किसी के लिए एक जैसा या एक समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ और तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 6, 15 और 25 फरवरी यह दिन शुभ रहेंगे तो 4, 13 और 23 यह दिन अशुभ और तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई सीधे सरल एवं छोटे छोटे उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार सभी राशियों के जातकों ने
अपनी लग्न राशि एवं चंद्रमा राशि के मंत्रों का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले अप्रैल महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उसके पूर्व राशि के अनुसार यदि आप मंत्रों का जाप करते हो तो शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ेगी और अशुभ चीज़ों की अशुभता कम होगी। उस अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों ने ओम सूर सिंहाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करें, आपको इसके सकारात्मक एवं शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरीके से हमने फरवरी माह कैसा रहेगा यह बताने के लिए मेष से लेकर मीन राशि तक 12 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए हैं। आप अपनी राशि का वीडियो खुद देखिए, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशियों का वीडियो प्लीज शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धन्यवाद, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ज्योतिष धन्यवाद।